क्लिप्स में स्वागत है आपका बस देखते रहो और सीखते रहो अब आई वर्सेस एवरेज इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में बात करता हैं जो आपने कहा आई में आपने काफी घिसाई करी आ, फिर से आप रूटीन बता सकते हो क्या था रूटीन सो so, आठ बजे मेरी क्लास होती थी तो रेडी होके आठ बजे शाप नहीं तो दरवाजा बंद हो जाएगा एक से दो लंच ब्रेक दो से पाँच मेरी लैब होती थी जहाँ पे हम सर्किट्स बना रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स था मेरा पाँच बजे तक हम सुपर बिजी उसके बाद पाँच से छः थोड़ा ब्रेक छः बजे के बाद वापस मेरी कमिटीज़ कॉम्पिटिशन्स वो सब रात के बारह बजे तक चलता था डांस कॉम्पिटिशन ड्रमेटिक्स ये वो डिबेट बारह बजे के बाद आके मैं अपनी असाइनमेंट्स करती थी क्योंकि मेरा कल क्लास में कुछ ना कुछ होने वाला है तो आठ सुबह आठ बजे से लेकर रात के दो बजे तक मेरा शेड्यूल पूरा पैक्ड रहता था लेकिन मुझे थकावट नहीं होती थी बिकॉज़ आई वाज डूइंग व्हाट आई लव्ड डूइंग मुझे बहुत थकावट होती थी <laughs> 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 क्योंकि आई हेटेड व्हाट आई वाज डूइंग काफी सारे इंजीनियर्स की असलियत होती नाउ यू लव व्हाट व्हाट यू आर डूइंग राइट अब नहीं होती होगी गुस्सा आता था तब और ग्रेजुएशन के बाद भी इंजीनियरिंग कॉलेज को लेकर बहुत ज़्यादा खुन्नस था और जैसे जैसे करियर आगे बढ़ता गया टाइम जैसे जैसे आगे बढ़ता गया आई सर वैल्यूइंग इंजीनियरिंग कॉलेज क्योंकि वो एक कोलेब्रेशन सीखी थी झगड़े करे थे पॉलिटिक्स झेला था आ, प्रोफेसर्स के रिमार्क्स झेले थे तो अब जब ट्रोलिंग होती है इस स्केल पर इट्स नथिंग फॉर मी क्योंकि प्रोफेसर्स ने तभी मेरे छाती से मेरा दिल चीर के फाड़ा था तो इट्स फाइन आई लव

चार या पांच साल की घिसाई करनी पड़ती आई वुड एक्चुअली से छह साल की घिसाई करनी पड़ती है और छह साल में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो हमने कहा कि आई की आउटकम यूजली ये होती है कि आपको एक बहुत बढ़िया पे पैकेज मिल जाता है और आपके करियर के स्टार्ट में आपको बहुत ज्यादा बूस्ट मिल जाता है देन इट्स अप टू यू कि हाउ मच यू वांट टू टेक इट फॉर दो पर ये पे पैकेज या करियर के बूस्ट के पीछे छह साल की मेहनत होती है एटलीस्ट यानी कि इलेवेंथ से लेकर फाइनल ईयर ऑफ कॉलेज जी मैंने इलेवंथ स्टैंडर्ड में आई आई टी की कोचिंग स्टार्ट करी और तीन महीने में पता चल गया कि दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ्टी मैं नहीं कर पाऊंगा बहुत मेहनत लगेगी और मैं उस मेहनती मोड में अब नहीं हूँ चिल किया थोड़ी बहुत मेहनत करी स्टेट एग्जाम्स दिए नॉर्मल इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिली इंजीनियरिंग में भी इतनी घिसाई नहीं करी सिर्फ एग्जाम के दौरान घिसाई करी और इमोशनल घिसाई बहुत ज़्यादा हुई अ, अलग अलग रीजन्स की वजह से एंड आई न्यू की एज ट्वेंटी टू से ट्वेंटी एट तक बहुत घिसाई करनी पड़ेगी ये मेरी मेंटालिटी थी क्योंकि thi. वो आपका ऑफ़ हाँ, है और आ, जैसे मेरे इंजीनियरिंग कॉलेज में टॉप पे पैकेज पैकेजीन लैक्स तीन या चार बच्चों को मिलता था पूरे बैच में और हर बैच में आई थिंक हंड्रेड एट हंड्रेड किड्स एंड नॉर्मली जो एवरेज पे पैकेजेसाइव के ट्वेंटी को कम मिलता था हाँ? ट्वेंटी के ट्वेंटी फाइव के बिल्कुल एवरेज सो आई न्यू कि घिसाई करनी ही पड़ेगी फिर ये स्टूडेंट्स पर डिपेंडेंट होता है कि अपने खुद की लाइफ में आपको वो छः साल का स्लॉट आइडेंटिफाई करना है कि क्या आपको इलेवेंथ से लेकर एंड ऑफ कॉलेज तक घिसाई करनी है या करियर के बाद बट घिसाई करनी पड़ेगी और अगर ट्वेंटीज थर्टीज में नहीं करी फिर आपको सिक्सटीज में जाकर करनी पड़ेगी बिल्कुल मुझसे एक सवाल पूछा जाता है हमेशा पेरेंट्स आते हैं जब मास्टर्स uh, यूनियन के अंडरग्रांड प्रोग्राम में एडमिशन लेते हैं तो पेरेंट्स पूछते हैं कि स्वाति प्लेसमेंट हो जाएगा ना टॉप कंपनीज में हो जाएगा ना तो मेरा जवाब हमेशा यही रहता है कि देखिए किसी ना किसी बच्चे का तो होगा और इस कंपनी में होगा आपके बच्चे का होगा या नहीं ये डिपेंड करता है वो कितनी मेहनत कर रहा है आप प्लेटर पे खाना दे सकते हो किसी को ज़बरदस्ती खिला नहीं सकते तो मैं हमेशा हमारे सारे स्टूडेंट्स को यही बोलती हूँ कि हम अपॉर्चुनिटीज़ ला रहे हैं हम आपके पास सी ला रहे हैं सी ला रहे हैं आपको इतना एक्सपोजर दे रहे हैं स्किल्स सिखा रहे हैं बट अगर आप उसको एब्जॉर्ब नहीं करोगे तो फिर रिजल्ट अच्छा नहीं होगा और आपके बैच में ही वो प्लेसमेंट्स लेके जाएंगे लेकिन आप नहीं लेके जा पाओगे आपके आईआईटी के फ्रेंड्स अब क्या कर रहे? अलग अलग चीज़ें कर रहा देखिए जो फ्रंट बेंचर्स थे मेरे जैसे वो चले गए नौकरियों में कंसल्टिंग में फाइनेंस में स्टार्ट बड़े स्टार्टअप फ्लिपकार्ट एक्टेक्ट्रा में अच्छे पोजिशन पे और उन्होंने काफ़ी टाइम तक नौकरियां की लेकिन मजे की बात ये है कि जो बैक बेंचर्स थे वो आज यूनिकॉर्न फाउंडर्स हैं क्यूं? क्यों क्योंकि मेरे जैसे लोग क्या सोचते हैं लाइफ में हमेशा किया है डिवेट नहीं करेंगे सेट पाथ कंसल्टिंग करो वॉट एमबीए एम करो आगे जाओ ये तुम्हारी लाइफ है लेकिन जो बैक बेंचर्स थे देवर मोर एक्सपेरिमेंटल उनके पास एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं था कि अगर मैंने ऑन्टरप्रनोरशिप किया तो मेरी वो बेन की नौकरी चली जाएगी तो उन्होंने ट्राई किया बहुत ट्राई किया एक स्टार्टअप किया दो किया तीन किया चौथा सक्सेसफुल हो गया Hmm. और अब दस साल हो चुके हैं तो मैं उनको देखती हूँ तो मैं बोलती हूँ कि यार आप कॉलेज में नहीं बता सकते कि कौन कितना सक्सेसफुल होगा अगर सक्सेस का डेफिनेशन इज यू नो फाइनेंशियल सक्सेस हर एक अलग अलग होगी बट हमेशा या किसी भी कॉलेज में देखेंगे द बैक बेंचर्स विल टेक मोर रिस्क अब ऑब्वियसली सारे बैक यूनिकॉर्न फाउंडर्स नहीं हैं बट उनके पाथ एक्सपोनशियली जाते हैं hmm.

कि आपने खुद you know, खुद का यू नो और फाइनल में।, में मेरे दोस्त और प्रोफेसर दोनों मुझे बहुत डिस्करेज करते थे दोस्त ऐसे ना आसपास के लोग ब्रोज वो डिस्कस नहीं तो करते वो तो मेरे साथ ही बैठे थे पर दूसरे मिडिल एंड फ्रंट डराते थे कि आप गलती कर रहे हो Uh, क्यों नहीं बैठ रहे प्लेसमेंट्स के लिए ये सेट पाथ एम के लिए क्यों नहीं पढ़ रहे जी आर क्यों नहीं कर रहे जी मैट क्यों नहीं कर रहे मैं मुझे यही कहता कि मुझे नहीं करना आई एल डू समय ओन तो बहुत डराते थे और मैंने उस डर को मेरे दिल में नहीं रखा डर फील होता था बिल्कुल सोचता था और फिर ये भी सोचता था कि ठीक है अब मैं इसे सर्कम नेविगेट कैसे करूँ इस डर को मतलब कुछ तो पाथवे होगा ये इंजीनियरिंग देन है कॉलेजेस की देन है लेट्स नॉट से इंजीनियरिंग की देन hmm. है बट मैं पेरेंट्स पेरेंट्स को फिर ये समझना होगा कि आज की डेट में अगर आपका बच्चा बैक बेंचर है तो आप उसको ये टैग नहीं लगा सकते कि देखिए शर्मा जी का बेटा hmm. वो तो फ्रंट फ्रंट बेंचर है उसकी तो इतने की नौकरी लगी क्योंकि दस साल में कहानी कहाँ से कहाँ जाएगी आपको नहीं पता और अक्सर जब कॉलेज स्टूडेंट्स ही एक दूसरे को डराते ना hmm. वो अपने पेरेंट्स के कॉन्वर्सेशन और पेरेंट्स की बातें दोहरा रहे हैं इनके सामने हुँ, अभी हुँ. उनके पेरेंट्स है अलग जनरेशन तो 20 साल पहले के पर्सपेक्टिव से डरा रहे हैं अपने क्लासमेट्स को तो... आज भी होता है मेरी नीस हैं जो कॉलेज में है और शी इज़ वेरी कन्फ्यूज़ कि मैं मार्केटिंग करूँ या फाइनेंस करूँ तो uh, क्योंकि मैं अभी कॉर्पोरेट वर्ल्ड से हूँ तो मैंने कहा जिसमें तेरे को इंटरेस्ट है तो वो कर मनी विल कम बट उसने किसी एक सीनियर से पूछा काफ़ी जो पचास साल से यू नो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में नहीं कहूँगी बट कुछ नॉलेज है उनको तो उन्होंने बोला बेटा फाइनेंस कर लो फाइनेंस में ना पैसा ज़्यादा है अब मैंने अपनी भतीजी से जब बात की तो मैंने कहा यार तेरे को तो मैथ्स पसंद नहीं है एक्सेल आपको प्यार ही नहीं है नंबर्स आपको चमकते ही नहीं हैं तो आप कैसे बोल रहे हो कि आप फाइनेंस की स्पेशलाइजेशन करोगे यू आर सो क्रिएटिव वो इतने अच्छे डिज़ाइंस बनाती है इतना क्रिएटिव माइंड है तो मैंने कहा ब्रांड मार्केटिंग कीजिए ना hmm. नहीं फिर उसको अभी भी डराया गया था उसको बोला गया था नहीं मार्केटिंग में कहाँ पैसे हैं फाइनेंस कर लो तो मुझे लगता है कि बच्चों को जब ये गाइडेंस मिलती है ना तो काफी उल्टा भी पड़ जाता है hmm. क्योंकि गाइडेंस मिल रही है वो तीस साल पुराने वाले माइंडसेट से बल्कि hmm. दुनिया बदल चुकी है कम्प्लीटली आई थिंक दी ओनली डिफरेंस बिटवीन तब के पेरेंट्स और आज के पेरेंट्स ये है कि आज के पेरेंट्स थोड़े से ओपन हैं hmm. मतलब वो हमारे एज के लोगों से इनपुट लेते हैं Because they've probably lived through the same thing and received wrong advice. तो जब मैं सॉफ्ट कले चला रही थी राइट right? uh, और uh, मैंने एक साल के बाद सॉफ्ट क्ले को बंद करके मास्टर्स यूनियन यू नो ज्वाइन कर लिया था मैं आपको उसका रीज़न बताती हूँ सॉफ्ट कले में क्या हो रहा था कि पेरेंट्स मुझसे पूछ रहे थे बहुत ओपन थे मुझसे पूछ रहे थे स्वाति क्या करना चाहिए और मैं बोलती थी कि यू uh, नो you know, ये डिज़ाइन में अच्छा है तो एन चले जाइए निफ्ट चले जाइए ये इसमें अच्छा है तो वहाँ चले जाइए बात यहाँ की अटक जाती थी कि स्वाति अगर एक लाइफ बनानी है तो अगर इसको इंजीनियरिंग पसंद भी नहीं है कोडिंग नहीं भी पसंद है बट क्या अगर ये आईआईटी चले जाए तो आपको लगता है कि इसकी लाइफ बन जाएगी और मैं झूठ नहीं बोल सकती ये सच है ये सच है कि आप चाहे इंजीनियरिंग ना पसंद हो क्योंकि एक बार आप आई में चले गए मुझे भी नहीं पसंद थी और मैंने कभी वो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग जॉब में करी भी नहीं और मेरे पास इतना ऑपर्चुनिटीज़ था कि मैं कोई भी जॉब कर सकती थी अलग अलग फील्ड्स में तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि सबको इंजीनियरिंग करनी है प्रॉब्लम ये है कि इंडिया में हायर एजुकेशन स्ट्रक्चर्ड इस तरीके से है कि सारे रोल्स आई की तरफ भाग रहे हैं और उन रोल्स का उस इंजीनियरिंग की पढ़ाई से ज़्यादा लेना देना है ही नहीं hmm. तो पेरेंट्स बोलते हैं बेटा बस तू क्लियर कर ले फिर तेरे को जो करना हो तो करना और जब मैं सॉफ्टवेयर के टाइम ये एडवाइस भी दे रही थी तो मैं यही एडवाइस दे रही थी कि आप सही बोल रहे हो आपका बच्चा अगर आज की डेट में फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स में अच्छा है तो आई क्लियर करा लो उसके बाद अपॉर्चुनिटीज़ विल ओपन अप दैट्स वेन आई रियलाइज कि यू में तो ये नहीं होता यू में आप अलग अलग डिग्रीज़ करते हो बेस्ड ऑन योर पैशन क्योंकि सारे अच्छे रोल्स कॉन्सेंट्रेटेड एक कॉलेज में नहीं है hmm. है ना तो तब हमने कहा कि अगर कॉलेजेस की कमी है और अच्छे कॉलेजेस की कमी है जो बाकी चीज़ें भी पढ़ाएं जहाँ एक्चुअली बच्चे जा रहे हैं तो वो होना चाहिए ना इसीलिए हमने कहा ओके मास्टर्स यूनियन बिजनेस स्कूल क्योंकि रोज़ तो सारे बिजनेस मैनेजमेंट के हैं बट वो भी जा इंजीनियरिंग कॉलेज में कॉलेज uh, hmm. में रहे हैं hmm. अगर आपको ये क्लिप अच्छा लगा तो ऐसे ही हज़ार क्लिप्स अपलोड किए गए इस चैनल पर बस देखते जाओ और सीखते जाओ